नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 247 लाइव टीवी। मैं आपके साथ दीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। राजस्थान के भरतपुर में शादी समारोह के दौरान बाइक की स्पीड पर बवाल हो गया है। पहले तेज स्पीड में मोटरसाइकिल चला रहे युवक को कुछ लोगों ने थप्पड़ मार दिया। इसके विरोध में उसके घर वालों ने गोली चला दी, जो सीधे दुल्हन के चाचा को जा लगी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने गोली चलाने वाले शख्स को पीट पीट कर मार डाला। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसर गया है। आपको बता दें कि कुम्हेर थाना इलाके के गांव बबौन में अमर सिंह की बेटी की बारात आनी थी। खुशी के माहौल में पूरा परिवार शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। तभी गांव की उप सरपंच ललिता देवी का बेटा सुमित राजपूत वहां तेजी से बाइक लेकर घूमने लगा, जिसकी वजह से शादी की तैयारियों में दिक्कतें आने लगी। दुल्हन के चाचा सुरेश लोधा ने सुमित को बाइक चलाने से रोका। इस पर दोनों में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि युवक ने थप्पड़ मार दिया। जब सुमित के पिता विजेंद्र सिंह को यह बात पता चली तो वे आग बबूला हो गए और अपने कुछ साथियों के साथ बंदूक लेकर मौके पर पहुंच गए। विजेंद्र सिंह ने दुल्हन पक्ष के लोगों को धमकाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सीधे जाकर दुल्हन के चाचा को लगी, वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर घटना से गुस्साए सुरेश के परिजनों ने भी विजेंद्र को पकड़कर उसकी लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। उसके परिजन भी उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि गांव में दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई थी, जिनमें दोनों पक्षों के एक एक सदस्य की मौत हुई। गाँव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और मामले की जाँच की जा रही। इस घटना के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच लड़की की शादी देर रात शहर के मैरिज होम में हो गई।